बातचीत आपसे करेंगे। जबलपुर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के दिनेश यादव बनाए गए हैं और प्रदेश महासचिव दिनेश यादव 11 साल कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनेश यादव से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा जनमत लेकर के आए, लेकिन ये काफ़ी लंबा वक्त लग गया और फिर निर्णय आपके फैसले में आया, आपके पक्ष में आया है, किस तरह से इस चुनाव को देखते? लंबा वक्त जरूर है, पर मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता और मेरे जो अपने चाहने वाले शुभचिंतक हैं और जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन को अभी तक देखा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि ये मेरा चुनाव नहीं है, ये मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे शुभचिंतकों का है, मेरी पब्लिक का है। मेरी पब्लिक इस मामले में, मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे वहाँ तक पहुँचाने में उसका सहयोग रहेगा। लेकिन एक बात देखने में आ रही कि बीजेपी इसे मतलब ये मान के चल रही कि 400 पार हम जीतेंगे, ऐसे में जबलपुर में आशीष दुबे जी को भी उन्होंने प्रत्याशी बनाया, एक ब्राह्मण चेहरा है, आप ओबीसी चेहरा है, किस तरह से देखते हैं? ये 400 पार का जो नारा है, शायद उन्होंने अपने पिछले इतिहास को देखा नहीं है। कभी इंडिया फील्ड गोल्ड की भी बात भई थी, इंडिया साइनिंग की भी बात भई थी, और आपको हम बता दें इस देश में प्रजा तंत्र का अपना एक बहुत बड़ा महत्व, पूरे विश्व में भारत के प्रजा तंत्र का उदाहरण दिया जाता है और प्रजा तंत्र में कोई मालिक नहीं होता। जो लोग आज 400 पार की बात कर रहे हैं, हकीकत यह है कि वो खुद डरे हुए हैं और वो इस बात को महसूस कर रहे हैं जिस प्रकार से देश की स्थितियाँ बन गई हैं और अब लोगों ने झूठ पर भरोसा कम कर दिया है। ये तो सिर्फ एक अहंकार है, एक अहंकार के कारण वो जो हिटलरपन जैसे बोलते थे वैसे ये बोल रहे हैं, परंतु ये देश की जनता किसी की गुलाम नहीं है। ये थे हमारे साथ दिनेश यादव जो जबलपुर लोकसभा से अब मैदान। कांग्रेस ने बालाघाट संसदीय सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सम्राट सिंह सरस्वार को अपना प्रत्याशी बनाया है। 48 साल के सम्राट सिंह 2022 में जिला पंचायत सदस्य बने थे, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बने। टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में विकास नहीं हो सका, विकास के मुद्दे पर वो चुनावी मैदान में हैं। देखिए, वो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, एक लोकसभा की लड़ाई है, तो इसमें पार्टी भी महत्व रखती है और उसमें जो लड़ रहा है उसका व्यवहार, विचार और किस तरीके का है वो उसमें भी डिपेंड करता है। तो ये मैं नहीं मानता कि पार्षद है या आम आदमी है, हो सकता है वो पार्षद न भी रहे या जिला पंचायत न भी रहूं तो भी टिकट मिल सकती, चुनाव लड़ सकते। ये तो ऊपर वरिष्ठ नेताओं ने जो भी सोच के दिया हो, बाकी वो भी मेरी बहन है, उनको भी मिलती तो बात एक थी और मुझे भी मिली तो ये समझिए उन्हीं को मिली है। तो ऊपर से जो हमें आदेश हुआ है उस हिसाब। और वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बस्तर से, क्या स्थिति रहेगी इस पर श्रीनिवास नायडू से भी हम बातचीत करें। श्रीनिवास, लेकिन ये जो खींचतान थी, तीन लोग थे कैंडिडेट के तौर पर वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार, लेकिन एक को टिकट दिया गया, कवासी लखमा को, वरिष्ठ नेता भी हैं और हर परिस्थिति को समझते हैं और इसी बेल्ट से वो आते भी हैं, यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को समझते हैं, लेकिन इन दिनों बहुत एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं वो, पार्टी में एक सन्नाटा सा है, एक खामोशी सी है। क्या मुद्दे लेकर के कैसे लोगों के बीच जाना, क्या कोई स्ट्रेटजी अभी तक कांग्रेस पार्टी की नहीं बन पाई है, ग्राउंड पर क्या मूवमेंट दिखाई दे रहा है अभी इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल, बस्तर में चूंकि कांग्रेस के नेता जो जो प्रत्याशी के चेहरे थे वो कई नाम थे, इसमें लकेश्वर बघेल थे, खुद कवासी लखमा थे, दीपक बैस सबसे ऊपर थे, उसके बाद हरीश कवासी लखमा थे। इन चार नामों पे मंथन चल रहा था, विचार चल रहा था कि आखिर दीपक बैस को दिया जाए या फिर इन तीनों में किसी से। लगभग सभी ने मना कर दिया था, हमारी जानकारी अनुसार कवासी लखमा ने भी पहले मना किया, लकेश्वर बघेल ने भी मना किया, खुद दीपक बैस ने भी मना किया। तो इस बात की जानकारी लेकर जब दिल्ली पहुंचे थे जो बस्तर
बस्तर के नेताओं को तब हरीश के नाम को सामने लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक बैच और दीपक बैच और हरीश कवासी लखमा के बीच में जो खींचतान चल रही थी, जो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं दीपक बैच को बैठा दिया गया और हरीश कवासी लखमा को मैदान में उतारा, क्योंकि कवासी लखमा बड़े चेहरे हैं, जाने माने चेहरे, इस वजह से इनको दिया जाएगा तो ये मतलब चुनाव के कुछ दिन पहले ही जो रफ्तार है वो पकड़ सके। ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड में फिलहाल कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद विचार में है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो अब तक तय नहीं हुआ। अब देखना होगा कि क्यों आज से जो नाम कल रात से नाम का ऐलान हो गया और आज से कांग्रेस के जो लीडर है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो मैदान में कब तक पहुंचते और प्रचार की गति कितना तेज करते हैं। कांकेर, सरगुजा, इन सीटों पर, बस्तर पे तो हालांकि नाम जारी हो गया, इन सीटों पर अभी नाम ऐलान होना बाकी है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को कुछ और अभी जद्दोजहद संभव है कि करनी पड़े, क्योंकि बस्तर जैसी सीट पर इस तरह की स्थिति है तो आगे उन सीटों पर क्या हाल होगा ये भी देखने का विषय होगा। वासु के पास वापस चलते हैं। वासु, अभी मध्य प्रदेश में माहौल जो चुनावी होना चाहिए था उस स्तर का अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्टी नेताओं के लिस्ट फाइनल करने में, टिकट फाइनल करने में ही जुटी हुई है। क्या यही कारण है कि अभी तक ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी के नेता उस एक्शन में नजर नहीं आ रहे हैं जो अमूमन लोकसभा चुनाव या किसी भी चुनाव के प्रचार के दौरान या इस समय में नजर आने चाहिए? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से टिकट वितरण में कांग्रेस ने देरी की है उसका असर तो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला है, क्योंकि कई सीट ऐसी हैं जहां पर एक से अधिक दावेदार हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयारियां करने में जुटे हुए थे। सबका एक अपना कैडर होता है, अपने कार्यकर्ताओं का ग्रुप होता है और वो सभी लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि प्रत्याशी कौन घोषित होता है, फिर उसके बाद उस रणनीति के तहत आपको प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जब प्रत्याशी का चेहरा सामने आ जाता है तो उससे जो उस प्रत्याशी संबंधित जातीय समीकरण है, सियासी समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उसकी पार्टी में क्या स्थिति है, क्या पकड़ है, कार्यकर्ताओं के बीच उसका क्या कद है और उस हिसाब से फिर जो है वो चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आता है। कल के पहले तक की अगर हम बात करें तो महज 10 चेहरे ही कांग्रेस डिसाइड कर पाई थी। जिन चेहरों पर कांग्रेस ने दाव लगा दिया था, जिन्हें घोषित कर दिया था, वो तो अपनी तैयारियों में जुट चुके थे, चुनावी तैयारियां करने लगे थे, प्रचार प्रसार करने लगे थे, लेकिन बाकी सीटों पर उतनी तेज गतिविधियां नहीं हुई थी। संगठन स्तर पर जो कामकाज है वो चल रहे थे, लेकिन अब जो है 22 सीटों पर स्थिति साफ हो चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है और जिस तरह से कल देर रात लिस्ट जारी हुई है उसके बाद अब उन प्रत्याशियों के सामने भी बड़ी चुनौती हो गई कि इस कम समय में और वो भी फेस्टिव सीजन में, आप देखें तो होली का त्योहार आ गया है, आज होली का दहन भी होना है और फिर इसके बाद रंग पंचमी है, लगातार कई तरीके की चीजें जो है वो चलती रहेंगी, सबके बीच आपको जनता के बीच पहुंचना है, अपनी बात रखनी है। मध्यप्रदेश में अगर आप लोकसभा के जो संसदीय क्षेत्र है अगर आप उनका साइज देखते हैं तो करीब 8 विधानसभाएं जो है वो एक क्षेत्र में आती है, 15 लाख अधिक वोटर्स अमूमन जो हैं वो हर विधानसभा में, कई जगहों पे तो 20 लाख वोटर्स तक हैं, 19 लाख वोटर्स तक हैं, तो इस तरीके की स्थिति में हर एक कार्यकर्ता तक, मतदाता तक पहुंचने का काम करना एक चुनौती होगी। बिल्कुल, एक चुनौती तो है ही। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका भी, बहुत शुक्रिया आवासु आपका भी।